नमस्कार मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा होगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु की जो गति है पंचम भाव पर और केतु लाभ भाव पर है, तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत लाभ होने वाला है, धन मिलने वाला है। आपको अपने दिमाग का सही उपयोग करना है, क्योंकि जब भी राहु पंचम भाव पर आता है तो मनुष्य अपने दिमाग का पूरा फायदा ले नहीं पाता। आपकी सोच आपके कार्य में रुकावट बन जाती है, लेकिन धन लाभ होगा। धन लाभ को ज्यादा पाने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप राजनेता हैं तो आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। आप व्यापार करते हैं तो देश विदेश से शुभ समाचार होंगे। माताओं और बहनों के लिए जो जॉब पे जाती है या फैक्ट्री चलाती है या उद्योग करती है, उनके लिए सुखदायी समय है। थोड़ा आपको आपकी एक संतान के लिए थोड़ा भय बना रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए भय बना रहेगा। वह बड़ी उम्र वाला हो या छोटा बच्चा हो, उसके स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा भय बना रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों को हम विशेष कहते हैं, पंचम भाव पर राहु है, खेल से ज्यादा पढ़ाई पर दिमाग लगाइए। जब आप खेल से ज्यादा पढ़ाई पर दिमाग लगाएंगे तो राहु आपकी बहुत सहायता करेगा और आपकी विद्या में मार्क अच्छे आएंगे। क्या किया जाए कि हमारा पूरा परिवार सुख शांति से रहे, हमारे घर में धन आए? देखिए, पंचम स्थानाधिपति राहु यह कहता है कि आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है। दुर्गा की आराधना में दुर्गा सप्तश्लोकी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। यह रोज का नियम बना लीजिए और भगवान सूर्य को रोज जल दीजिए। और केतु भगवान ग्यारहवें भाव पर है, गणेश अथर्व शीर्ष पढ़े, उससे धन लाभ होगा, घर में धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने घर के पुराने जूते बाहर फेंक देने हैं, फटे हुए जूते बाहर फेंक देने हैं, डेड इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर निकाल देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यह राहु केतु बहुत धन देगा, मान सम्मान देगा, पद और प्रतिष्ठा देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।